सात तारीख को परिवादी हेमंत कुमार वर्मा जो जैतारण का रहने वाला है, उनका काटना नगर में एक मकान है, नया मकान बनाया, तो उन्होंने अपने मकान के अंदर विद्युत कनेक्शन करवाने के लिए फाइल लगा रखी थी, जिसके लिए एक्शन साहब महेंद्र कुमार मीणा 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे, जिसका पशु सत्यापन करवाया गया, तो सत्यापन के अंदर इन्होंने 25,000 रुपये की राशि की मांग की गई थी, जो आज सुबह लेके इनको घर पे बुलाया हुआ था। आज इनको घर पे रिश्वत राशि लेते हुए 25,000 रुपये लेके आइए एक्शन साहब ने, और अपने घर के फ्रिज के ऊपर रख दी थी, जिसको बरामद किया गया और एक्शन साहब को गिरफ्तार किया गया। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे अब गिरफ्तार किया गया, अनुसंधान होगा, जो का कार्रवाई होगी। इनके बारे में शिकायतें लंबे समय से थी या हेमंत कुमार के द्वारा ही की गई? हमारे पास हेमंत कुमार ने शिकायत लेके परिवादी आया था। से क्या हुआ आप ही बताइए, बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चलेगी, और फिर पैदल चलेंगे तो महीनों लग जाएंगे पहुंचने में। मैं कुछ समझा नहीं साहब। मतलब ये कि पेट्रोल का इंतजाम आप कर दीजिए, दुकान की एनओसी तुरंत मिल जाएगी। पेट्रोल मतलब? अच्छा साफ साफ बताता हूँ, 50,000 ले आइए और एनओसी ले जाइए। 50,000? फिर आ गए तुम आज? सर आपके लिए पेट्रोल ले आया हूँ। अरे बैठो बैठो बैठो, तुम्हारी एनओसी भी तैयार है। पूरे 50,000 है, गिन लीजिए। आप कौन? एसीबी। इसी तरह से आप भी अपनी गाड़ी कमाई को, अपनी मेहनत की कमाई को रिश्वतखोरों में न लुटाएं। कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कर्मचारी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगे तो तुरंत 1064 पर कॉल करें एसीबी को। एसीबी आपके साथ मिलकर उस भ्रष्ट अधिकारी को जेल पहुंचाएगी। आइए भ्रष्टाचार मुक्त शासन में हम सभी मिलकर सहयोग करें और राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं।